गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। टुडे टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, और आई होप आपको सभी प्रॉपर्टी क्लियर हुई होंगी। चलिए आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। देखिए यहाँ पर बात करें आयनिक कंपाउंड में, जो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहली इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली या जनरली लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, सम आपके सॉलिड्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे लिक्विड की अगर बात करूं तो आपका यहाँ पे ब्रोमीन आपका जो है वो वाटर, ब्रोमीन जो है वो आपकी ब्राउन कलर की होती है, वो आपकी लिक्विड है। इसी तरह से आपका H2O है, वो भी आपका लिक्विड है। बेंजीन है, टोलवीन है, ये आपके सारे लिक्विड है। बेंजीन है, टोलवीन है, ये सारे सॉल्वेंट आपके जो कि लिक्विड नेचर के होते हैं। गैस में बात करूं, जैसे CO2 गैस आपकी, O2 गैस है, N2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी, H2S गैस है, SO2 भी गैस आपकी। ये आपके कुछ एग्जांपल हैं आपके गैस के। सॉलिड भी होते हैं आपके, ऐसी बात नहीं है। सॉलिड में जैसे आपकी नेफ्थलीन जो होती है, कपूर की जो गोली होती है ना, नेफ्थलीन बोलते हैं उसको, नेफ्थलीन बोल, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं होता आपका, चीनी होती है, चीनी, केन शुगर जिसको बोलते हैं, केन शुगर, ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए सॉलिड के। देखिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, किसी को पता नहीं तो, नेफ्थलीन की गोली ये होती है, कपूर की गोली नहीं बोलते घर पे, वो आपकी ये होती है, ये आपका ये वाली, ठीक है ना, कपूर की गोली जो घर पे होती है उसको बोलते हैं नेफ्थलीन बोल। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे बेटा, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली, लिख देना इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड और गैसियस स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट, बट सम कोवलेंट कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर। सॉलिड इन नेचर, ठीक है, ये एग्जांपल लिख दो क्या आप, फटाफट लिख दो। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या थी बेटा, आयनिक सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड थी। ये आपकी गैस भी होती है, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। जनरली आपके ये लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था आयनिक कंपाउंड का वो हाई था और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था, जबकि कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म इज CC, कोवलेंट कंपाउंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि कोवलेंट जो कंपाउंड है उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा आपके, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल। और आयनिक जो आपका कंपाउंड है उसमें कौन से बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, बिल्कुल पता है सभी को। आयनिक बॉन्ड मोर स्ट्रोंगर देन कोवलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कोवलेंट जो कंपाउंड है उसमें कोवलेंट बॉन्ड आपका वीक नेचर का होता है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या लिख दोगे बेटा, कोवलेंट कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन
देन आयनिक बॉन्ड, वीकर देन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये लिख दोगे आप, फटाफट राइट डाउन कर दो इसको। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा आपकी, सोल्युबिलिटी से रिलेटेड थी। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, जबकि नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। नॉन पोलर सोलवेंट कौन से होंगे बेटा आपके, नॉन पोलर सोलवेंट है जैसे आपका बेंजीन है, नॉन पोलर है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो भी आपका नॉन पोलर है। तो उसके अंदर कैरोसिन है आपके, पेट्रोल है, उसके अंदर ये डिजोल्व नहीं होते हैं। जबकि नॉन पोलर है या आपके जो कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कोवलेंट कंपाउंड हैविंग या यूजुअली या जर्नली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। बेंजीन है आपका, टोलविन है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके अंदर नॉर्मली आपके क्या होते हैं, डिजोल होते हैं। कौन होते हैं आपके, कोवलेंट कंपाउंड। पर ऐसा नहीं कि आपके सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो आपके नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल होंगे। जैसे आपका चीनी है, पानी के अंदर डिजोल होती है। सम कंपाउंड जो हैं वो वाटर के अंदर भी डिजोल होते हैं। कौन से हैं आपके, यूरिया भी। खेत के अंदर यूरिया गिरते हैं तो ऊपर से पानी अगर अपन करते हैं, लाइन बदलते हैं, तो आपको पता है यूरिया क्या हो जाएगी, डिजोल हो जाएगी। अगले दिन आप जाओगे तो खेत में वो आपको मिलती थोड़ी है, वो वाटर के अंदर क्या होगी, डिजोल होगी। तो यूरिया है, ग्लूकोज है, हाँ या ना बेटा, सुक्रोज है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके जो कि वाटर के अंदर भी क्या होते हैं, डिजोल होते हैं। तो नॉर्मली अगर आप बात करो तो नॉन पोलर के अंदर डिजोल होते हैं, पर कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड है जो कि आपके वाटर के अंदर भी डिजोल होते हैं। तो इसमें क्या लिख दोगे बेटा, लिखना बेटा जनरली कोवलेंट कंपाउंड आर डिजोल्व इन नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन कोमा टोलवीन कोमा कार्बन टेट्राक्लोराइड बट सम कोवलेंट कंपाउंड लाइक यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज आर डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट लाइक वाटर। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट सिंपल आपका बेटा, आयनिक कंपाउंड आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे या आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिल्कुल आपको पता है। तो इसमें क्या लिख दोगे, फोर्थ पॉइंट में लिख देना बेटा, जनरली कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर। कोई चार्ज कैरियर इसमें नहीं होता जिसके कारण कोवलेंट कंपाउंड आपके बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन को होता है इसमें ग्रेफाइट होता है आपका एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन लिख देना बेटा ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो इसमें स्टार करके लिख देना ग्रेफाइट कोवलेंट कंपाउंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कोवलेंट कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा,
आज की इसलिए आपका जो टॉपिक था वो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ थी। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी थी आपकी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा आपकी, कि यहाँ पे जनरली आपके लिक्विड और गैस हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं आपके, कुछ आपके सॉलिड भी होते हैं। सेकंड, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनका कम होता है क्योंकि वीक कोवलेंट बॉन्ड होता है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कौन सी थी बेटा, सोल्युबिलिटी से। नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में भी डिजोल्व होते हैं आपके। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी बैड कंडक्टर ऑफ आपके इलेक्ट्रिसिटी है, पर एक्सेप्शन इसमें ग्रेफाइट है। ठीक बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।